गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? तो फिर से वेलकम है आपका एक बार फिर वॉइस की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं, जैसा कि कल हमने किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये एक सेल्फ चेक है। जैसा कि ये मैं बार बार आपको एक्सप्लेन क्यों कर रही हूं चीजें, ताकि आप किसी कंफ्यूजन में न पड़े और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, साफ शीशे की तरह चमकता हुआ। तो आपको, अगर आपने ध्यान से पहली वाली क्लासेस ली है, तो आधे से ज्यादा बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि यहां पर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ये बात क्लियर करने में एक या दो मिनट का समय लगा है, लेकिन मैंने क्लियर क्यों किया है, क्योंकि जो बच्चे, हो सकता है कई बार वो बीच में से क्लास पिक करके देखें, तो हो सकता है कि उनको ये लगे कि अरे इसका एक पार्ट रह गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस क्यों नहीं बताया गया। तो जी, इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसमें सिर्फ एक्टिव वॉइस बनता है। फिर भी मैं उसका एक बार आपको स्ट्रक्चर जरूर दिए चलती हूँ। इसकी पहचान क्या होगी? इसमें पूर्णता, किसी भी कार्य की पूर्णता प्लस निरंतरता आपको देखने को मिलेगी। पूर्णता और प्लस निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। अब जहां निरंतरता है, वहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। आप जब कंसेप्चुअल बातें करेंगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएगी। पूर्णता है तो यहाँ पूर्णता का प्रतीक हेल्पिंग जो वर्ब होगी ना, वो यहाँ परफेक्ट की लगेगी। अब देखो, आपकी दो चीजें क्लियर हो गई। अब आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। यहाँ परफेक्ट बैठा है, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब आपको देगा। यहाँ कंटिन्यूअस बैठा है, ये खुद की मेन वर्ब आपको देगा। बस यहाँ पास्ट है, तो पास्ट में आपको पता ही चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की हेड आ जाएगी। देखो कितनी चीजें, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। आधी चीजें तो आपकी यही क्लियर हो गई। और हेल्पिंग वर्ब इसमें दो लगेगी, सोच लेना, दो कंडीशन है तो दो मतलब बी की भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी पास्ट की। तो मुझे नहीं लगता आज तक इस तरीके से आपको किसी ने टेंस करवाया होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसको और खोल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में पास्ट में सबसे अच्छी बात है, यहां सिंगुलर प्लूरल कोई चक्कर नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, मैंने क्या कहा था, दो वर्ब की फॉर्म लगेगी, बी की थर्ड फॉर्म लेगा, प्लस मेन वर्ब आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस यहां पर आपको क्या करना होगा, टाइम सिंस या फॉर में से एक आपको चूज करना होगा। और उसका तरीका आपको मैंने बता ही दिया। आपको पॉइंट स्टार्टिंग एक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका पॉइंट हमें पता होगा, तो हमारे सामने सिंस आएगा। जैसे हमें ये पता होगा कि फिक्स टाइम क्या है, तो हमारे सामने सिंस आएगा, वरना हमारे सामने फोर आएगा और इसके बीच में प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सिंस फोर प्लस फिर क्या हो जाएगा, रिलेटेड जो सेंटेंस है वो इसमें हो जाएगा। टाइम की कंडीशन इसमें आप यहाँ टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वाक्य समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और करवा देती हूँ मैं। वह दो घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक है, पैसिव वॉइस, पैसिव बनेगा ही नहीं इसका, हम ये एक्टिव वॉइस इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है, वह ही
हमें पता है परफेक्ट अपनी वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे रहा है हैड, उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब दे रहे हैं बीन, ही हैड बीन। अब कंटिन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रहा है, पढ़ाना मेन वर्ब है टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग। अब दो घंटे से पढ़ा रहा है, लेकिन दो घंटे फिक्स टाइम कौन सा पता है आपको? मॉर्निंग दो घंटे से, नून दो घंटे से, शाम दो घंटे से, कोई आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? फोर। ही हैड बीन टीचिंग फोर कितने घंटे से? टाइम टू आवर्स, ठीक है। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता वह हमें दो घंटे से पढ़ा रहा है, ही हैड बीन टीचिंग अस फॉर टू आवर्स, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब हम लेके चलते हैं फ्यूचर टेंस को। तो सबसे पहले फ्यूचर इनडेफिनेट की बात करेंगे। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, ठीक है जी। तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की बात हम जब करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी पहचान। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है? तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की पहचान है कि यह वाक्य हमें भविष्य के बारे में बात करेगा। इस वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा, ठीक है। अब पास्ट में क्या था? आ ए ही आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। पढ़ा और वह पढ़ेगा, यानी आ, तो वह पढ़ा, पास्ट चला जाएगा, लास्ट में आ निकलता है। पढ़ेगा यानी गा, यानी भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में गा गेगी आएगा वो हमें क्या कहेगा? ऐसा साधारण वाक्य जो अपने अंत में क्रिया के साथ गा गेगी लगाता है वो क्या होगा? फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस होगा। जैसे हम सिंपली इसका एक वाक्य देखते हैं कि मैं एक लेटर लिखूंगी, ठीक है। मैं एक पत्र लिखूंगी, ठीक है, मैं एक पत्र लिखूंगी। अब आप ये देखिए कि हमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर कहता है जी सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, ठीक है। सेल और विल किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? सेल और विल लगेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देख के हम चूज करेंगे कि यहाँ सेल लगाएं, विल लगाएं या ना लगाएं, क्या लगाएं। ना लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है तो ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर अपने साथ ये हेल्पिंग वर्ब मांगे ही मांगेगा। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनाकर देखते हैं। आई, सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। अब आई के साथ सेल लगेगा या विल लगेगा? तो आई और वी के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, आई और वी के साथ। तो आई सेल, ठीक है, दोनों में से एक लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट मतलब लिखना, आई सेल राइट ए लेटर, ठीक है। मैं खाना बनाऊंगी, हम खाना बनाएंगे, वी
मेक या कुक द फूड, ठीक है। वह डांस करेगा, ही विल डांस, ठीक है। वह जाएगा, ही विल गो, ठीक है। दे नहीं, वे खाएंगे, दे विल ईट। समझ गया आप फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है, कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे और जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की सेल या विल उसका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करोगे। हम एक बार इसका स्ट्रक्चर फिर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझना है। एक्टिव वॉइस मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी एक बार मैं स्ट्रक्चर दोबारा लिख रहा हूँ, आप रिपीट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए इसका पैसिव वॉइस, पहले तो आप ये देखिए हिंदी कैसे चेंज होती है, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं हम, वह आपको फोन करेगा, वह आपको फोन करेगा, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसके द्वारा आपको फोन किया जाएगा, उसके द्वारा आपको फोन किया जाएगा। आप पहला सेंटेंस सुनाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वह ही, अब ही के साथ मैंने आपको बताया क्या लगेगा, विल लगेगा, आई और वी के साथ लगेगा सेल, बाकी सबके साथ लगेगा विल, ही विल, ठीक है, फोन करेगा। तो इसको हम क्या सीधा क्या कर सकते हैं, ही विल फोन यू या ही विल कॉल यू, ठीक है, ही विल कॉल यू। अब इसी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में पैसिव वॉइस हमें क्या स्ट्रक्चर देता है। तो पैसिव वॉइस हमें इसमें स्ट्रक्चर देगा सब्जेक्ट प्लस, अब यहां क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने साथ ऐसे के ऐसे रहेंगी, लेकिन उनमें क्या चेंज आ जाएगा, उनमें चेंज आ जाएगा ही सब्जेक्ट विल सेल प्लस यहां क्या बी की फॉर्म। आप इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखना कि पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म आपको हर जगह दिखेगी, और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी सी समझने वाली बात है कि इनडेफिनेट में बी की फॉर्म अपने फर्स्ट रूप में होगी,
कंटिन्यूअस में बी की फॉर्म अपने आईएनजी रूप में होगी और परफेक्ट में अपने थर्ड यानी बीन के रूप में होगी। कितना सिंपल है देखो, आप बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका कैसे बनेगा, उसके द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। तो अब हम पहले इसका ये बना चुके हैं, ही विल फोन यू। अब क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट लाना है आगे, यू विल बी, ठीक है, यू विल बी फोन या कॉल, कॉल्ड फोन या कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी ना, यू विल बी फोन्ड या कॉल्ड बाय किसके द्वारा, हिम, कि आपको उसके द्वारा फोन किया जाएगा। यू विल बी फोन्ड थर्ड फॉर्म लग जाएगी या कॉल्ड बाय हिम, यहां पर क्या लगेगा, बी की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब ऐसे की ऐसे रहेगी फ्यूचर वाली भी और साथ में बी की फॉर्म आ जाएगी। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको फिर दोबारा लिखती हूँ, मे बी सेंटेंसेस में इतना क्लियर नहीं हो, हम इसका क्लियरली स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ इसके जस्ट नीचे। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ये पैसिव वॉइस लिख दिया, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में चेंज, ठीक है जी, प्लस सेल या विल एज इट इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे क्या ले लेगा, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो हो जाएंगे, ये बी और आ जाएगा, बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, बी वाज बीन ये ऐसे होती है बीन, ठीक है। तो बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और प्लस बाय एजेंट ऐड हो जाएगा और प्लस जो ऑब्जेक्ट है वहां पे क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये आपका टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए इसमें और भी सेंटेंसेस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे वह गाना गाएगी, सी विल सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये ले लेते हैं ए सॉन्ग, ठीक है, ए सॉन्ग विल बी सैंग बाय हर, समझ गया। तो आपको क्या है, स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। और इसी तरह आज हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों सेंटेंसेस क्लियर होते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के